नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। बागपत के जिला मुख्यालय परिसर में पति के शव की बरामदगी की मांग को लेकर बच्चों के साथ महिला धरने पर बैठी। महिला का कहना है कि 10 दिन बाद भी पुलिस उसके पति के शव को बरामद नहीं कर पाई। जब तक बरामदगी नहीं होगी उसका धरना रहेगा जारी। जी हां, मामला बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के लूमगांव का है, जहां 10 दिन पहले सगे भाई ने 2.5 बीघा जमीन के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर भाई की ही हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद भाई शव को लेकर गाड़ी में फरार हो गया था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस अभी तक मृतक के शव को बरामद नहीं कर पाई, जिसको लेकर मृतक की पत्नी अपने बच्चों एवं अन्य परिजनों के साथ जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठी है। दस दिन पहले मेरे पति को गोली मार के हत्या कर दी थी। 10 दिन हो गया तक उसकी लाश नहीं पाई, और वो जो मारने वाले वो घर से भागे हुए हैं, पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। और जब तक मेरे पति की लाश नहीं मिलती, डेड बॉडी, मैं यहाँ से उठूंगी। राजीव जी यहाँ धरने पे बैठे, क्या मामला? सर 10 दिन पहले 30 तारीख को मेरे भाई की निर्माण हत्या कर दी गई थी गांव में। हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी उसे अपनी गाड़ी में उठक टिक्की में गिर कर ले गए, और आज तक 10 दिन हो गए, आज तक मेरे भाई की डेड बॉडी का कोई पता नहीं है। उसी को पता नहीं कर पाया कि कहाँ है, और न ही मुख्य आरोपियों को अरेस्ट कर पाई है पुलिस। आरोपी को आरोपी मुख्य आरोपी है कि मेरा बड़ा भाई प्रदीप और उसके 2 लड़के सचिन, अंकुर, राजीव और दो और। ठीक है।